अस्सलामुअलैकुम डियर मेंबर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है आयन बॉन्ड। कल हमने बताया था केमिकल बॉन्ड, इसकी चार टाइप्स होती हैं, चार अकसाम होती हैं केमिकल बॉन्ड की, होती है आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। चार टाइप थी केमिकल बॉन्ड की, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। तो आज जो है सबसे पहले फर्स्ट जो टाइप है उसकी पहली किस्म है आयनिक बॉन्ड, इसके बारे में पढ़ेंगे। ग्रुप वन के जो एलिमेंट्स हैं और ग्रुप टू के जो एलिमेंट्स हैं ये मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, सारे मेटल्स हैं। ये इलेक्ट्रॉन देने का रुझान रखते हैं क्योंकि जो फर्स्ट ग्रुप है उसके आखिरी शेल में वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप सेकंड है ग्रुप टू उनके वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन है, इनको अपना आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए ग्रुप वन को सात इलेक्ट्रॉन चाहिए, जो बहुत मुश्किल है, बहुत डिफिकल्ट है सात इलेक्ट्रॉन हासिल करना। एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना खारिज करने के लिए आसान होता है, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन है वो खारिज कर देते हैं। इस तरह ग्रुप टू वाले, इनको छः इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, छः इलेक्ट्रॉन हासिल करना मुश्किल होता है, इसलिए दो इलेक्ट्रॉन के लिए खारिज करना आसान है। तो ये जितने भी ग्रुप वन और ग्रुप टू हैं मेटल्स पर मुश्तमिल होते हैं, जब ये इलेक्ट्रॉन खारिज कर देते हैं तो इलेक्ट्रो पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाते हैं और एक पॉजिटिव आयन बना देते हैं ग्रुप वन और ग्रुप टू। इसी तरह ग्रुप 15 से लेकर ग्रुप 17 तक, ग्रुप 15, 16, 17, ग्रुप 15 के जो आखिरी शेल में है पांच इलेक्ट्रॉन है, इसको आखिरी शेल कंप्लीट करने के लिए तीन इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो पांच खारिज करना इसके लिए मुश्किल होता है, तीन इलेक्ट्रॉन हासिल करना इसके लिए आसान है। तीसरा ग्रुप 16 है, इसके आखिरी शेल में छह इलेक्ट्रॉन है, इनको आखिरी शेल यानी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ग्रुप 17 को, इसके आखिरी शेल में सात इलेक्ट्रॉन है, इनको अपना वैलेंस शेल मुकम्मल करने के लिए कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो ये 15, 16 और 17 जो है ये तीन इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 17 एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके इलेक्ट्रोनेगेटिव में तब्दील हो जाते हैं, नेगेटिव आयन बना देते हैं, नेगेटिव आयन बनाएंगे, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत ज्यादा होती है। और ये 15, 16 और 17 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ये नॉन मेटल हैं। अब इसके अगर हम तारीफ को देखें, डेफिनेशन इसकी क्या होगी कि दो आयन आपके बन गए, आपके पास एक इलेक्ट्रो पॉजिटिव है पॉजिटिव आयन, एक इलेक्ट्रो नेगेटिव है नेगेटिव आयन है, तो ये ऐसा बॉन्ड जो एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन्स की मुकम्मल मुंतकली के नतीजे में बनता है, कंप्लीटली ट्रांसफर, यानी एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन मुकम्मल तौर पर दूसरे को दे दिया। एक तो पहले मैंने पढ़ा था शेयरिंग होती है, शेयरिंग नहीं बहमी इश्तराक नहीं, कंप्लीटली मुकम्मल तौर पर एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे दिया, ट्रांसफर कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन, उन दोनों में जो बॉन्ड बन जाता है उस बॉन्ड को आयनिक बॉन्ड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है और ये क्लोरीन गैस है, सोडियम सॉलिड है मेटल है क्लोरीन नॉन मेटल है, आपस में मिले NaCl बना दिया। अब अगर सोडियम को देखें हम, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है सेकंड चैप्टर में हमने पढ़ी थी 1s2 2s2 2p6 3s1, ये 1 जाहिर कर रहा है कि इसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है सोडियम के, z जाहिर करता है z एटॉमिक नंबर को जाहिर करता है वो इसका है 11 यानी इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर है, इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, यानी ये आखिरी शेल में 2 और 5 7 इलेक्ट्रॉन है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है,
इसका एटॉमिक नंबर 17 है, आखिरी शेल में वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सोडियम के आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन खारिज करना ज्यादा आसान है इसकी निस्बत के 7 इलेक्ट्रॉन हासिल करे। इसे ये 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन था, ये 1 इलेक्ट्रॉन खारिज कर देगा और कैटायन में पॉजिटिव आयन में तब्दील हो जाएगा। अब इसकी जो इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक इसने रिमूव कर दिया, बाकी बच गए 10। 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं नियॉन के पास, नियॉन का एटॉमिक नंबर है 10, यानी -2 2s2 2p6, ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है अब जो नियॉन की है, यानी इसने अपने आप को स्टेबल कर लिया, समझ लें कि नियॉन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हासिल कर ली, लेकिन तब्दील किस में हो गया, कैटायन के अंदर। इसी तरह क्लोरीन है, इसके आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, अब इसके लिए 7 इलेक्ट्रॉन खारिज करना मुश्किल होता है, 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करने इसके लिए आसान है, तो जब 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा हासिल करेगा तो ये क्लोरीन नेगेटिव आयन एन आयन बना देता है। पहले 17 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास, जब 1 इलेक्ट्रॉन इसने हासिल कर लिया तो इसके पास टोटल 18 हो गए। अब ये इसके इलेक्ट्रॉन की कॉन्फिगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। अभी 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं आर्गन के पास, यानी इसने आर्गन जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो इसने क्या कर ली, हासिल कर ली और एन आयन यानी नेगेटिव आयन में तब्दील हो गया। अब सोडियम पॉजिटिव आयन है, इसके आखिरी शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन हासिल करके इसने भी आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन कर लिए। अब ये दो आयन बन गए, एक सोडियम आयन है और एक क्लोरीन आयन बन गया, एक सोडियम आयन और एक क्लोराइड आयन। ये सोडियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों के दरमियान एक पॉजिटिव आयन है, नेगेटिव आयन है, इन दोनों में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो दो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन के दरमियान अट्रैक्शन की फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उसको कहा जाता है, चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है, दो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इनमें जो चार्जेस की वजह से जो बॉन्ड बना है वो अगले बॉन्ड बनता है, यानी सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है, सोडियम के पास भी 8 रह गए, क्लोरीन के पास भी 8 हो गया आर्टिफिशियल में, तो ये एक कंपाउंड बना देते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड जो आयनिक कंपाउंड है, यानी जिन कंपाउंड वो कंपाउंड जिनमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है उनको आयनिक कंपाउंड कहा जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक, थैंक यू वेरी मच।